मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट गिरीश। दोस्तों, मैंने आज थोड़ा बहुत R&D करके थोड़ा बहुत रिसर्च किया है और उसमें मैंने ये मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जो MI का 360 डिग्री कैमरा आता है वो कैमरा मैंने मेरे कंप्यूटर में एज ए वेबकैम यूज़ करना है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं और उस कैमरे को हम लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे OBS में कैसे ऐड कर सकते हैं, OBS के अंदर हम कैसे लाइव इसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे हमारे सिस्टम में कंप्यूटर में MI का कैमरा हम ऐड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने ये थोड़ा बहुत वीडियो आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये किया है कि विंडो के अंदर कोई भी अगर हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करवानी है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है ब्लू स्टैक, वो मैंने सबसे पहले इंस्टॉल किया और ब्लू स्टैक के अंदर मैंने यहाँ पे MI का जो होम स्क्रीन है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और वो ऐड करने के बाद मैंने उसमें यहाँ पे मेरा जो MI का कैमरा है वो मैंने यहाँ पे लोड करवाया है। जैसे अभी ये हमारी एप्लीकेशन है MI की, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे मेरा लॉगिन है एप्लीकेशन का MI का, पे मैंने कैमरा लोड करवाया है जिसमें अभी आप मुझे देख रहे हो। यहाँ से इसका फुल स्क्रीन कर दिया, फुल स्क्रीन करने के बाद मैंने यहाँ से इसका भी फुल स्क्रीन कर दिया। तो अभी जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू हमने MI के कैमरे को लोड कर दिया और MI के कैमरे को लोड करने के बाद मैंने यहाँ पे OBS में थोड़ा बहुत सेटिंग किया है, जिसमें सीन वन में मैंने यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस में मैंने यहाँ पे ब्लू स्टैक एप्लीकेशन को लोड करवा दिया है। तो ब्लू स्टैक एप्लीकेशन में जो भी हमारी ऐप रन होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। अभी जो रन हो रहा है वो हमारा MI का कैमरा जो है उसका लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। और दूसरे सीन में मैंने दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्यूटर स्क्रीन को ऐड कर दिया है ताकि जो भी मैं वर्क करूँ वो उसका यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो। यानी इन शॉर्ट में मैंने यहाँ पे अपने कैमरे को जिस तरह से मुझे यूज़ करना था उस तरह से मैंने आपके सामने रिज़ल्ट दिख रहा है। तो बहुत ही कम बजट में मैंने ये जुगाड़ किया है कि 3000 का 2500 का एक कैमरा लिया और उसको एज अ CCTV कैमरा होम सिक्योरिटी ना यूज़ करके मैंने अपनी स्क्रीन में और कैसे हम अपने लाइव स्ट्रीमिंग में यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत जुगाड़ किया है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको जैसे हम कैमरा ऑन करते हैं MI का प्लग एंड प्ले ऐसे आप ऑन कर दो, वाईफाई से कनेक्ट कर दो, ब्लू स्टैक एप्लीकेशन ऐड कर दो, एप्लीकेशन ऐड करने के बाद उसमें MI का एप्लीकेशन रन करवा दो और OBS के अंदर आपको दो चीज़ें ऐड करनी है। सीन वन में आपको विंडो कैप्चर डिवाइस, मैंने ये दो सीन इसलिए ऐड किए ताकि कभी हम लेक्चर ले रहे हो, कुछ भी बता रहे हो तो फुल स्क्रीन में अगर हमें पोज देना है तो सीन वन में मैंने वो सिस्टम रखा है और सीन टू में मैंने स्क्रीन का सिस्टम रखा है और उसका शॉर्टकट भी मैंने यहाँ पे सेट किया है। अगर आपको पता हो कि जब कभी मुझे आपके सामने आना है तो कंट्रोल टैब दबाऊंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, यानी कि हमारा सीन टू लोड हो जाएगा और वन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो डेस्कटॉप है, सिस्टम है PC, उसकी स्क्रीन आ जाएगी। उसके लिए आपको OBS सेटिंग में यहाँ पर हॉटकी में जाना है और हॉटकी में जाके आप यहाँ पे सीन में जाके ये पूरा सेटअप कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने जुगाड़ किया अपने हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और पूरा इन डेप्थ वीडियो कैसे मैंने पूरा प्लग एंड प्ले किया, कैसे एप्लीकेशन ऐड की, कैसे इसमें लॉगिन किया और पूरा इन डेप्थ आगे ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कैसे वाईफाई के थ्रू MI के कैमरे को आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करना है उसका भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो पहले आप वो देख लीजिए उसके बाद ही देखिएगा, ठीक है।